वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो जो है वो बिलासपुर पुलिस द्वारा ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप के ऊपर है, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी बनाने का आशय होता है और दूसरे प्रॉपर्टी में कब्जा करने का आशय होता है। इन कारणों से धीरे धीरे समाज में लगता है कि नहीं, हमको एक कानून के अंतर्गत बंधा होना चाहिए और उस कानून का पालन किया जाना चाहिए। ऐसे में कानून की शुरुआत होती है, लेकिन वर्तमान कानून को संशोधित किए गए हैं क्योंकि समय के साथ बहुत सारे अपराध ऐसे हैं जो पहले नहीं थे और वर्तमान में वो अपराध हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे अपराधों को फिर से देखने के लिए, उनके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए इन तीनों कानूनों को होते हैं। और अधिकतर अपराध अक्सर माध्यमों से होते हैं जिसको संभवतः कहीं कहीं हम भी ट्रेस नहीं कर पाते हैं। पुलिस के भी तरफ से कमियां रह जाती हैं और हमारे तरफ से कमियां रह जाती हैं। इन चीजों को सुधार करने के लिए नए कानूनों की जरूरत पड़ी है। इसलिए आप प्रशिक्षण के दौरान जो नए खासकर बहुत सारे इसमें चेंजेस आए हैं और कुछ चीजें तो मुझे आपके कंफ्यूजन जैसे मैं पढ़ रहा था, इसमें एक चीज आया हुआ कि जो हम रिमांड लेते हैं, पुलिस रिमांड लेते हैं 15 दिन का लेते हैं, शुरुआती बात की हम जाकर के उस रिमांड को फिर 15 दिन बाद फिर हम आपका जुडिशल कस्टडी दे दिया और फिर बाद फिर पुलिस रिमांड मांगे, मजिस्ट्रेट मना कर देते हैं। एक चीज मुझे कंफ्यूजन हो रही है, इस चीज को मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ ठीक। और वह शुरुआती 40 दिन में होगा और 60 दिन में होगा, मतलब 90 दिन वाले अपराध में 60 दिन में वो 15 दिन ले सकता है और 60 दिन का जो हमारा रिमांड पीरियड रहता है 60 दिन वाले में 40 दिन तक पुलिस रिमांड लिया जा सकता है। उस चीज में मैं भी कंफ्यूज हूँ कि वह क्या शुरुआती 15 दिन के लिए है कि 40 दिन के अंदर किसी भी ले सकते हैं। पहले कानून ये था कि हम शुरुआत में 15 दिन में ही पुलिस रिमांड लेंगे। एक पहले तो आईपीसी श्वेता जी पढ़ाएंगी और भ्रांतियां भी उत्पन्न होगी शुरू में, लेकिन सभी भ्रांतियों को दूर कर लिया जाएगा। और आप लोगों को मेरा विशेष रूप से आग्रह रहेगा, जब भी आप लोग निवेदना करते हैं थोड़ा सा अपना जो कागजी है, कागज में जो लिखा पढ़ी करते हैं उसको थोड़ा सा एक बार जरूर पढ़ लिया करें, मजबूती के साथ रखा करें। जिला अधिकारी के संबंध में जाता है तो इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक सदस्य तथा पुलिस महानिरीक्षक अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में कमेटी संभाग स्तर का गठन किया गया है, जिसमें प्रत्येक प्रकरण में जो विधेयक के द्वारा सूची किया गया है उसके संबंध में जांच करना होता है। कई विवेचक लोग त्रुटि कर रहे हैं, जैसे एनडीपीएस के संबंध में बहुत सारी त्रुटि हो रही है, तो उसके संबंध में भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सावधानी रखना है। तो उसके संबंध में उसके संबंध में भी कार्यशाला हम लोग रखेंगे। जैसे अभी आप लोग जान रहे हैं कि हाईकोर्ट बहुत सख्त हो चुका है अनिल कुमार के मामले में, तो आप लोग पेपर वेपर पढ़े होंगे, रायपुर पुलिस को कई लोगों को जारी किया जा चुका है। तो हमको अपने शासकीय कर्तव्यों के साथ साथ हमको किस तरह से त्रुटियों से बचना है, कानून की पेचीदगियां क्या है उसके संबंध में हमको जानकारी लेना है, तो भी तो संबंध में एक कार्यशाला आयोजित किया जाएगा। आज का जो कार्यशाला है नरेंद्र कानून संशोधन के संबंध में है, जिसके संबंध में चंद्रकांत पांडे। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये कानून जो है ये क्यों, नए कानून की आवश्यकता क्यों होती है। बहुत बार हम बात करते रहे हैं कि पुराने कानून समय के साथ पुराने हो जाते हैं, तो ऐसा हुआ डीडीपी साहब भी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अब जिला नियोजन अधिकारी बता रहे थे कि बहुत सारे अब नए तरह के अपराध हो गए हैं। तो एक तो नए तरह के अपराध उसके लिए कानून की जरूरत है और बहुत पुराने जो कानून है जो पुराने अपराधों से संबंधित है जो बहुत रेलेवेंट नहीं है या डुप्लीकेशन थी या समय समय पर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन थे, लोगों की मांग थी, उसको हिसाब से भी वो चेंज करने की आवश्यकता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है इस कानून का कि ये सारे कानून जो है इसकी पूरी अवधारणा अब व्यक्ति के अधिकारों पर है। पहले कानून पूरी तरह से ये वाला जो बनते थे वो हमेशा ये कहते सारे आपराधिक कानून उसमें सबसे प्राइमरी जो प्रिंसिपल होता था वो ये होता था कि सारे अपराध राज्य के खिलाफ अपराध है और राज्य के खिलाफ अपराध है तो हमें सख्ती
व्यक्ति से डील करना चाहिए व्यक्तिगत अपराधों को उसमें रिलेट करते हुए, लेकिन जो इसमें रहता था कि ये समाज को प्रभावित करने वाले अधिकार है, तो वो टोटैलिटी में वो कानून बने नहीं थे। समय के साथ बहुत सारे स्पेशल एक्ट्स, आप समझिए कि वो स्पेशल एक्ट्स क्यों बनते हैं, स्पेशल कानून क्यों बनते हैं, वो इसलिए बनते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, किसी पर्टिकुलर अपराध के लिए वो कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि टोटैलिटी वाले जो प्रिंसिपल है वो इसमें लागू नहीं होते, बहुत सारी कमियां हैं या और उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है, इसके हिसाब से स्पेशल एक्ट बनते हैं। जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जेजे एक्ट, आप देखें तो सारे आईपीसी में प्रावधान है जिसमें किसी भी तरह के अपराध जो बच्चे, वो ये देखते हैं कि बच्चों को एक स्पेशल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाए, फिर मैं जो कह रहा हूं उनके अधिकार को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कानून को फाइटिंग किया जाए, कानून जो है ये बदले है। एक जनरल परसेप्शन रहता है, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, परसेप्शन ये है कि सारे कानून जो है पुलिस इस पे चलती है, पुलिस ये कानून ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था और ये लोगों पे हुकूमत करने के लिए बनाया गया, लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था ये कानून, उनके अधिकारों के लिए नहीं रखा गया था। तो परसेप्शन ये बनाया गया है कि अब जो नए कानून है उसका एक परसेप्शन पूरी तरह से नवीन क्रिएचर ही देखे तो वो खुद में अस्पष्ट है। क्या कहा गया इस नए कानून को? न्याय संहिता। दंड की बजाय किसमें जोर है? न्याय पे जोर है। और न्याय किसी को कोई जरूरत नहीं कि सिर्फ दंड से मिलता है, उस व्यक्ति के को के अधिकारों को आपने प्रोटेक्ट किया कि नहीं। और सिचुएशनल न्याय वैसे सिचुएशनल होती है, किसी के बारे में कहते हैं कि इसको दंड देना बहुत आसान होता है, लेकिन हम बोलते हैं इसके सब व्यक्ति के अधिकार जुड़े रहते हैं, समाज के अधिकार जुड़े रहते हैं, समाज की मान्यताएं जुड़ी रहती है। तो ये चीजों आप समझिए कि ये मूल भावना है सरकार द्वारा इस कानून को बदलने। पहले आप सोचते हैं उस क्राइम को करने के बारे में, तो और ये जो इंटेंशन वाला स्टेज है इस चीज की आपको पनिशमेंट नहीं मिलती, क्यों? तो क्या आप किसी पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है जान सकते हैं? बिल्कुल नहीं जान सकते। क्या आप उस चीज के लिए क्या सोच रहा है, क्या गलत चीज सोच रहा है अपने दिमाग में, उस चीज के लिए उसको पनिश कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पहला जो इंटेंशन वाला स्टेज होता है किसी भी क्राइम का, उस चीज के लिए हम उसको पनिश नहीं, इसलिए हम उसको सजा नहीं दिला सकते। दूसरा स्टेज होता है प्रिपरेशन मतलब तैयारी। किसी भी क्राइम को करने के लिए आप उसके पहले सोचते हो, फिर सोचने के बाद उसके लिए तैयारी करते हो। जब आप तैयारी करते हो तो मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक पर्सन है ए जिसको बी को मारना है, अब वो क्या करता है? सोचता है कि मैं इसको जहर देकर के मारूंगा, पॉइजन देकर से उसको मारूंगा। वो क्या करता है? पॉइजन खरीदने के लिए जाता है। पॉइजन आपके प्रॉपर्टी में इंजरी हो सकती है, आपके माइंड को इंजरी हो सकती है और आपके रेपुटेशन को इंजरी हो सकती है। तो ये चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो क्राइम को मिल करके बनाते हैं। किसी भी क्राइम को क्राइम बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, अगर मैं आपको एक तो फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला होता है एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। एक्टस रियस प्लस मेंस रिया इज इक्वल्स टू क्राइम। किसी भी क्राइम को गिल्टी बनाने के लिए तब तक कि वो चीज क्राइम नहीं हो सकती जब तक कि उस एक्ट को आपने किसी गिल्टी इंटेंशन के साथ नहीं किया। तो एक चीज ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे जब भी हम क्राइम के टॉपिक पे भी बात करेंगे, तो यहाँ पे एक्टस रियस और मेंस रिया वाले वर्ड्स को इंडिकेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आईपीसी में डिफाइन की गई है। फॉर एग्जाम्पल डिसऑनेस्टी, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉडुलेंट है जो आपके मेंटल स्टेटस मेंस रिया को इंडिकेट करते हैं। अभी मेरे वर्ड्स आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा क्योंकि मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, बट अभी मैं जब पढ़ाना चालू करूंगी तो आप लोगों के लिए हिंदी में उन चीजों को मैं क्लैरिफाई करूंगी। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो जो हमारे नवीन कानून संशोधन हुए हैं क्रिमिनल लॉज में, जो अभी अमेंडमेंट हुआ है और जो तीन नए क्रिमिनल लॉज आए हैं हमारे इंडिया में, उन तीनों क्रिमिनल लॉज के ऊपर कल हमारी एक वर्कशॉप थी जो कि बिलासपुर पुलिस के द्वारा 30 जनवरी 2024 को ऑर्गेनाइज की गई थी। वी रियली एंजॉयड गिविंग लेक्चर ऑन दिस वर्कशॉप। और ये है
हमारे सभी ऑफिसर्स जिनके द्वारा लेक्चर दिया गया और जिन्हें जो है बिलासपुर पुलिस के द्वारा फेलिसिटेट किया गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो व्लॉग अच्छा लगा होगा, जो कि कल के हमारे वर्कशॉप के ऊपर है। और इस वर्कशॉप में मैंने लास्ट में कुछ पिक्चर्स अटैच की हुई हैं कल के वर्कशॉप की। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड आई होप कि जो नए कानून हमारे अभी इंडिया में आए हैं, BNS, BNSS और BSS जो लॉ है, IPC को, CRPC को और एविडेंस को रिपील करते हुए, वो लॉज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव प्रूव होंगे। और इसी संबंध में कल हमारा लेक्चर भी था। मैंने कल भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है बिलासपुर पुलिस के अधिकारियों को कल पढ़ाया है, और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है इस सब्जेक्ट को। इसके लिए मुझे एक यहाँ पे बुके भी मिला और एक स्मृति चिन्ह भी मिला। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ सब्सक्राइबर ऑफ माय चैनल एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल लाइक ऑलवेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे यू ऑल।